Sushant Singh Rajput, who will be seen essaying the role of cricketer Mahendra Singh Dhoni in biopic MS Dhoni, The Untold Story, says he does not want to disappoint his fans and so he's been working hard for the biopic. हर जो फिल्म मैं करता हूँ उसके लिए बहुत ही शिद्दत से बहुत मेहनत से काम करता हूँ. सबसे पहला जो मेरा इंटेंशन होता है वो ये होता है कि मैं अपने आप को बिलीव कराऊँ कि जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ मैं वैसा हूँ. तो उस चीज़ के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े. तो पिछले 6 महीने से मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी श्योर कि इवेंचुअली मैं सक्सेसफुल रहूँगा इस बात को अपने आप को कन्विंस कराने में कि जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ अपनी अगली फिल्म में वो कैरेक्टर मैं हूँ. नहीं ये सारी बहुत ही पर्सनल बातें हैं. आप हर वो चीज़ करते हैं जिससे कि आपको अपने जहन में अपने दिमाग में ये बिलीव हो कि आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं यू हैव द अथॉरिटी टू प्ले इट. तो हर वो चीज़ जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि मैं वो कैरेक्टर हूँ जो मैं अगली फिल्म में खेलने वाला हूँ जो पोर्ट्रे करने वाला हूँ वो चीज़ मैं कर रहा हूँ. एंड आई विल मेक श्योर कि जब आप फिल्म देखें तो आपको एक सेकंड भी ऐसा ना लगे कि आप किसी और को देख रहे हैं ना कि उस कैरेक्टर को जिसको. MS Dhoni, The Untold Story is being directed by Neeraj Pandey and will release on October 22 this year. In the meanwhile, Sushant is also waiting for the release of Dibakar Banerjee's Detective Bomkesh Bakshi that releases April 3. Honest Report.